अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के नगर निगम कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में मुरादाबाद के सफाई कर्मचारी पहुंचे और एक ज्ञापन सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुरादाबाद के नगर आयुक्त को भेजा। इसके साथ ही उन्होंने उसमें मांग की है कि मुरादाबाद के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके हालात बद से बदतर है और आने वाले अक्टूबर के महीने तक अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वो हड़ताल के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी मुरादाबाद के नगर निगम प्रशासन की होगी। मेरा नाम जसपाल सिंह वाल्मीकि है और मैं वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ का उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो सात सूत्रीय ज्ञापन माननीय मंडल आयुक्त महोदय नगर आयुक्त महोदय को दिया गया है वो इस आशय से, इस उम्मीद से दिया गया है, नगर निगम मुरादाबाद में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 1192 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं परंतु उनकी समस्या चरम सीमा पर हैं। जैसे कि वेतन की एक तिथि निर्धारित किया जाना, 15,000 रुपये कम से कम वेतन दिया जाना, पीएफ ना काटे जाना, आउटसोर्सिंग के जो सफाई कर्मचारी हैं उनका 4 दिन का वेतन जो काटा जा रहा है वो नहीं काटा जाना और नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको बरसाती व वर्दी दिए जाना और ख़ास करके जो अहम सवाल हमारा ये नगर निगम से है कि जो महिला सफाई कर्मचारी नगर निगम में कार्यरत हैं उनको प्रसूति अवकाश के साथ साथ उनका वेतन भी आहरित किया जाए। तो इन्हीं सब सात चीज़ों को लेते हुए हमने माननीय नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और नगर आयुक्त महोदय द्वारा हमें पूरा आश्वासन दिया गया है यदि इसके उपरांत भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो अक्टूबर तक हम देख रहे हैं। अक्टूबर बाद अगर हमारी वेतन 15,000 रुपये नहीं आता है तो हम पूर्ण रूप से कार्य ठप करके हड़ताल कर देंगे।